वेलकम टू स्मार्ट स्कूल। यस, स्मार्ट स्कूल में हमने बहुत सारे सेक्शन शुरू किए थे। जैसे पहला सेक्शन था एक मराठी जग, जहाँ पे हमने मराठी व्याकरण के बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए। दूसरा सेक्शन था हिंदी दुनिया, जहाँ पे हिंदी व्याकरण के बहुत सारे वीडियोस है। तीसरा सेक्शन था इंग्लिश वर्ड, जहाँ पे इंग्लिश व्याकरण के बहुत सारे वीडियोज है। चौथा सेक्शन था मैथ्स मैजिक, जिसमें मैथ्स से रिलेटेड वीडियोज है। और फिर आखिरी वाला सेक्शन था किड्स जोन, जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं। तो स्मार्ट स्कूल आज शुरू करने जा रहा है एक नया सेक्शन, जिसका नाम है मॉरल स्टोरीज। तो चलो देखते हैं क्या है मॉरल स्टोरीज का सेक्शन। जी हाँ, आज की हमारी पहली कहानी रहेगी मन की शक्ति। मन की शक्ति क्या होती है, आज हम वो देखेंगे। इससे पहले अब हमारी वेबसाइट smartschool.infolips.com को भी जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे एंड्रॉइड एजुकेशन गेम एंड क्राफ्ट चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर विजिट जरूर करना, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलो करते हैं आज की पहली कहानी को शुरुआत, मन की शक्ति। यह कहानी है एक अरेबियन कंट्रीज की, जहाँ पे एक अपराधी को उसके अपराध स्वरूप उसके देश की सरकार ने उसके अपराध स्वरूप उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। आमतौर पर मृत्युदंड की शिक्षा बहुत कम दी जाती है, इसलिए यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। और ऐसे ही यह खबर जाके पहुंची अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर में, जहां दो चिकित्सक सोच रहे थे ये कितना अच्छा मौका है हमारे लिए मन की शक्ति के ऊपर प्रयोग कर सके। वो दोनों ने सोच लिया और वो दोनों चिकित्सक जा पहुंचे उस देश में। जाते ही उन्होंने पहले सरकार से रिक्वेस्ट की कि हमें उस अपराधी से मिलने की अनुमति दे दो और हम उसके ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। उनको समझाया किस प्रकार का ये रिसर्च रहेगा। तो उस सरकार ने और उस न्यायालय ने भी चिकित्सक को वो अनुमति दे दी और उनको परमिशन लेटर मिल गया। जैसे लेटर मिला, वो दोनों चिकित्सक जा पहुंचे उस अपराधी को मिलने के लिए, जा पहुंचे जेल में। अपराधी से मिलने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी सजा बहुत अनोखी होने वाली है। तुम्हें जो 10 दिन बाद मृत्युदंड दिया जाने वाला है, वो फांसी देकर नहीं बल्कि एक जहरीले सांप से डसवा कर देने वाले। अपराधी सोचने लगा, अरे ये कौन सी सजा है जो कभी सुनी नहीं है। एक चिकित्सक ने कहा, जी हाँ, यह अनोखी सजा होगी, सांप से डसवा कर कभी सुनी नहीं है, लेकिन इसका पहली बार इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर ही करने वाले हैं। और वो सांप इतना जहरीला होगा कि उसके डसने से कोई भी प्राणी एक मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रहता, फिर वो चाहे छोटा सा चूहा हो या बड़े से बड़ा हाथी। अपराधी ने उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, उसे लगा ये जरूर मजाक कर रहे। लेकिन दूसरे ही पल एक चिकित्सक ने सांप को बाहर निकाला और उसके साथ ही एक चूहा भी बाहर निकाला और उस अपराधी के सामने ही सांप उस चूहे को डसवाया। जैसे ही सांप ने उस चूहे को डसा, चूहा तड़प तड़प कर एक मिनट के अंदर वहीं पे मर गया। चूहा मरने के बाद उन्होंने कहा, देखा, तुम्हें भी इसी तरह 9 दिन के बाद शिक्षा दे जाने वाली है। ऐसे कहकर वो दोनों अपराधी चूहा और सांप को उठाकर वहां से निकल गए। अपराधी सोचने लगा, क्या ये सचमुच मेरे साथ होगा। पहले दिन अपराधी ने यह बात उतनी गंभीरता से नहीं ली। दूसरे दिन फिर वो चिकित्सक वहां पे सुबह 10 बजे आए अपराधी से मिलने। अपराधी को उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें 9 दिन बाद मृत्युदंड दिया जाने वाला है और वो भी इसी जहरीले सांप से डसवा कर। आज उन्होंने फिर से उस सांप को बाहर निकाला और उस सांप के साथ एक बिल्ली भी निकली। उसी अपराधी के सामने उस सांप बिल्ली से को भी बिल्ली से डसवाया। जैसे ही सांप बिल्ली को डसा, बिल्ली एक मिनट के अंदर तड़प तड़प कर मर गई। फिर वो दोनों चिकित्सक ने कहा, देखा अपराधी, आज से ठीक 8 दिन बाद तुम्हें भी इसी तरह से ये सांप से डसवा कर मौत देने वाले हैं। ये कहकर वो दोनों चिकित्सक सांप और बिल्ली को लेके वहां से निकल गए। आज अपराधी थोड़ा सा परेशान दिखा, वो सांप के बारे में सोचने लगा, फिर भी इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। शायद अभी भी उसको लग रहा था कि ये दोनों चिकित्सक शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। फिर तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन फिर से वही दोनों चिकित्सक सुबह 10 बजे अपराधी के पास
उसे मिलने आ गए। अपराधी से कहा, आज तुम्हारे पास 8 दिन बाकी है और 8 दिन बाद तुम्हें मृत्युदंड दिया जाने वाला है, और वो भी इसी जहरीले सांप से डसवा कर। चिकित्सक ने कुछ फिर से वो सांप बाहर निकाला और उसके साथ एक खरगोश भी निकाला। अब सांप से उस खरगोश को डसवाया। जैसे ही सांप ने खरगोश को डसा, 1 मिनट के अंदर खरगोश भी तड़प तड़प कर मर गया। अब जाते वक्त उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बाकी है, और फिर से उन्होंने सांप और खरगोश को लेकर दोनों वहां से निकल गए। लेकिन अब की बार अपराधी मन से डर गया था। वो सोचने लगा था कि क्या ये सचमुच मेरे साथ होने वाला है? क्या सचमुच मैं इस सांप से डसवा कर चूहे बिल्ली खरगोश की तरह तड़प तड़प कर मरने वाला हूँ? अपराधी के मन में थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा था। वो सांप के बारे में ज्यादा ही सोचने लगा। आज उसकी सोच ज्यादा गंभीर हो रही थी, ज्यादा गहरी दिखाई दे रही थी। चौथे दिन भी वही कहानी। वो दोनों चिकित्सक सुबह 10 बजे उस अपराधी से मिलने आ गए और उन्होंने आते ही कहा, आज से सिर्फ 7 दिन बाकी है। और उन्होंने फिर से उस सांप को बाहर निकाला और सांप के साथ उन्होंने एक छोटा कुत्ता भी निकाला और उस कुत्ते को सांप से डसवाया। जैसे ही सांप ने कुत्ते को डसा, कुत्ता तड़प तड़प कर 1 मिनट के अंदर ही मर गया। आज भी उस चिकित्सक ने उस अपराधी से कहा, आज अभी सिर्फ तुम्हारे पास 6 दिन बाकी है। ऐसा कह के वो सांप और कुत्ते को उठाकर वहां से निकल गए। यही सिलसिला 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन चलता रहा। हर दिन कोई अलग अलग प्राणी लेके आते थे और सांप से उसे डसवा कर उसी के सामने वो मरवाते थे। अपराधी सच में बहुत डर गया था। उसको खुद की मौत वहां पे दिख रही थी। 9वां दिन आ गया। 9वें दिन फिर से सुबह 10 बजे वो दोनों चिकित्सक अपराधी से मिलने वहां पे आ गए। अपराधी पूरी तरह से डर गया था, जैसे वो खुद की मौत वहां पे देख रहा था। उन्होंने फिर से सांप को बाहर निकाला, दूसरा प्राणी निकाल के उसको उसी से डसवाया। और जैसे ही सांप ने उसे डसा, वो 1 मिनट के अंदर तड़प तड़प कर अपराधी के सामने मर गया। और उसको उठा के वो दोनों चिकित्सक जा रहे थे और जाते वक्त उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही दिन बाकी है, क्योंकि कल तुम्हारे सजा का दिन है। और वो दोनों वहां से निकल गए। अभी अपराधी पूरी तरह से डर गया, जैसे वो खुद की मौत वहां पे खुद देख रहा हो। रोज जिन प्राणियों को वहां पे मरते देख रहा था, आज वो खुद की मौत वहां पे देख रहा था। और जैसे मन ही मन में उसने सांप का दंश महसूस करने लगा था। हर पल हर क्षण वो सांप के कटने का और उस तड़प तड़प कर मरने वाले प्राणियों के बारे में सोच रहा था। उसे बस यही दिखाई दे रहा था और यही सोचता था। उसने सोचा चिकित्सक आए और उन्होंने सांप से डसवाया और चले गए, बस यही दिखता था और यही सोचता था। उसके मन में यही धारणा हो रही थी कि वह सांप बहुत विषैला है, बहुत जहरीला है और उसके जहर का कोई भी तोड़ नहीं है। अपराधी ने मन में ही इतनी सोच गहरी और दूर हो गई थी मानो वह 9 दिन रोज मर रहा हो। उसके सामने वो खुद की मौत सच में उन प्राणियों को तड़प तड़प कर देख रहा था, वैसे ही हो रही थी। अभी वो पूरी तरह से डर गया था और इसीलिए वो उस पुलिस कर्मचारी के पास हाथ जोड़कर याचना करने लगा, मुझे कोई भी अन्य मौत दे दो लेकिन इस सांप से मत डसवाओ। चाहे मुझे फांसी दे दो, चाहे गोली मारो या कोई अन्य कोई भी किसी भी तरह की मौत दे दो, लेकिन मुझे इस सांप से मत डसवाओ। लेकिन वो पुलिस कर्मचारी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके हाथ में वैसा था भी नहीं। आखिर वह दिन आ गया। अपराधी के सर पर काला कपड़ा बांध दिया। चिकित्सक आ गए और उससे कहा, तुमको अभी उसी सांप से कटवा रहे। फिर एक चिकित्सक 2 छोटी-छोटी सुइयां लेकर अपराधी के पास आया और उसने अपराधी के कंधे पर 2 सुइयां चुभाकर फिर अपने जगह पे गया। अपराधी को जैसे इन उन सुइयों का आभास हुआ तो उसे लगा कि उसको उसी सांप ने डसा है, और वो भी उन प्राणियों की तरह तड़प तड़पने लगा और 1 मिनट के अंदर ही वह मर गया। पुलिस कर्मचारी भी परेशान और चिकित्सक भी परेशान हो गए। ये कैसे हो सकता है, उन्हें भी यह अजीब लगा। उन्होंने उसकी
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब ये उनकी रिपोर्ट आई उस पुलिस कर्मचारी से मिलने आ गए और पुलिस कर्मचारी को उस रिपोर्ट को दिखाया कि देखिए इसमें लिखा है कि इस अपराधी की मृत्यु पूरे शरीर में जहर फैलने की वजह से ही हो गई है। पुलिस कर्मचारी परेशान हो गया, अरे ये कैसे संभव हो सकता है, जबकि सांप के डसे सारे प्राणी 15 मिनट के बाद फिर से चलने फिरने लगते थे तो यह अपराधी कैसे मर सकता है। चिकित्सक ने कहा, ये सारे प्राणी इसलिए चलने फिरने लगते थे क्योंकि उनको पहले से ही सांप के जहर का एंटीडोट दिया जाता था। जहर की वजह से वे तड़प तड़प कर बेहोश होते थे और फिर एंटीडोट के असर से वो फिर से नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन यह अपराधी ने अपने मन में यह धारणा इतनी गहरी बैठा ली थी, उसकी गहरी सोच और मन की शक्ति से उसने उसके शरीर के अंदर जहर बना लिया था, उसी की वजह से अपराधी की मृत्यु हो गई। इस प्रयोग से हमें यह पता चला है कि मनुष्य की गहरी सोच और मन की शक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है। दोस्तों सोचो, अगर इंसान अपनी मन की शक्ति से अपने ही शरीर के अंदर विष बना सकता है तो अगर हम चाहें तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, कोई भी कामयाबी पा सकते हैं, फिर चाहे वो बीमारी से छुटकारा पाने की हो या अन्य कोई। जैसे युवराज सिंह ने कैंसर को भी मात दे दी क्योंकि उसकी उतनी दृढ़ इच्छा थी। चाहे तो शिक्षा में अव्वल आने की हो, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत गरीब होकर भी सबसे ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। सोचो उनकी इच्छा कितनी तीव्र होगी, कितना दृढ़ विश्वास होगा। दोस्तों अगर हम सोचे, हमारी सोच मजबूत हो और उसे पूरी करने के लिए मन की पूरी शक्ति लगा दे तो वो सोच हकीकत बन सकती है, हमारा वो सपना अस्तित्व में हो सकता है। दोस्तों अपनी मन की शक्ति को पहचानो और खुद पर विश्वास करो, सब कुछ संभव हो सकता है। मन की शक्ति, माइंड पावर। तो आज की कहानी कैसे लगी? इस कहानी की सीख है, मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। धन्यवाद। अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना, और यह हमारा नया प्रयास कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन भी प्रेस करना। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीख लो स्मार्ट स्कूल के साथ।